ना तुम हारे ना हम जीते की तर्ज पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। BSNL, विद्युत मंडल, बैंक, एक्सीडेंट मामले पहुंचे। वहीं समझौता के माध्यम से इनका निपटारा किया गया। नेशनल लोक अदालत में ऐसे भी परिवार के मामले सामने आए जहां पति पत्नी मनमुटाव के चलते अलग अलग रह रहे थे, जिन्हें मिलाया गया है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण BR कुमरे ने बताया कि जिले में आयोजित नेशनल लोक अदालत में सभी समझौते योग्य प्रकरणों के निराकरण हेतु 17 खंडपीठों का गठन किया गया, जिसमें आपसी सुलह के आधार पर रजीनामा किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस बार नेशनल लोक अदालत में प्री लिटिगेशन प्रकरण 2665 रखे गए हैं, जिनमें अभी 4 बजे तक 72 व पेंडिंग प्रकरण 840 रखे गए हैं, जिनमें से 119 निराकृत हुए हैं। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत, डायरेक्टर कान्हा नेशनल पार्क SK सिंह, अधिवक्ता संघ अध्यक्ष रामेश्वर झारिया सहित अन्य उपस्थित रहे। आभार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण DR कुमरे ने किया। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, ना तुम हारे ना हम हारे। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, ना तुम हारे ना हम हारे। सफर साथ जितना था हो ही गया ते, ना तुम हारे ना हम हारे। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। याद के फूल को हम तो अपने दिल से रहेंगे लगाए, याद के फूल को हम तो अपने दिल से रहेंगे लगाए। और तुम भी हंस लेना जब ये दीवाना याद आए, मिलेंगे जो फिर से मिला दे सितारे, ना तुम हारे ना हम हारे। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। सर, जैसा कि नेशनल लोक अदालत का आयोजन होता है हर 3 माह के बाद होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं जिसके लिए आमजन या जो पक्षकार होते हैं इसके लिए प्रेरित हैं? देखिए, ये नेशनल लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक लोग जो है इससे जुड़े और इस अभियान में शामिल हों और अधिक से अधिक केस निराकृत हों। केस कोर्ट के माध्यम से तो निराकृत हो जाते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी समय लगता है, पैसे भी खर्च होते हैं और अपील डिवीज़न की आगे संभावना रहती है, तो वो फाइनलिटी उसकी नहीं रहती है कि उसमें भी लंबा समय लगता है। लेकिन अगर लोक अदालत में केस निराकृत होते हैं तो उसकी पहली बात यह है कि वो फाइनल होता है, उसके अगेंस्ट कोई भी अपील डिवीज़न नहीं होती है। जो रेगुलर केस है, जो प्री लिटिगेशन केस हैं, जो अभी केस कोर्ट में आए नहीं हैं, जैसे बैंक के वसूली के हैं या MPEB के हैं, नगर पालिका के हैं या किसी भी आम आदमी का कोई किसी प्रकार का कोई मुकदमा है जो न्यायालय में अभी नहीं आया हो, तो वो प्री लिटिगेशन में लिया जाता है। और उसमें जो प्री लिटिगेशन का भी यही फायदा कि उसमें जो डिसाइड होंगे वो अवार्ड वो भी फाइनल होता है, वो सिविल कोर्ट की एकदम डिक्री के समान ही होता है। और उसकी भी फिर आगे न तो उस पर उस पॉइंट पे कोई केस लाया जा सकता है और न तो उसकी कोई अपील डिवीज़न हो सकती है। तो जो केस अभी आया नहीं है वो भी समाप्त हो सकता है और फाइनल हो सकता है, और जो केस लंबित है वो तो त्वरित न्याय के लिए सस्ता सुलभ त्वरित जो है उसकी जो परिकल्पना है वो सार्थक होती है। और इसमें सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि दोनों में से कोई, दोनों पक्षकार को समझिए कोई हारता नहीं है बल्कि दोनों जीतते हैं, और उससे जो है आपस में फिर बाद में सौहार्द उनके बीच बना रहता है, कोई कटुता नहीं पैदा होती है।
और जो पैसे हम अनावश्यक मुकदमेबाजी में खर्च करेंगे वो पूरा बच जाता है जो आदमी अपने परिवार के विकास के लिए उपयोग करे। यही लोक अदालत का जो है उद्देश्य है। और जब भी तिथियां राष्ट्रीय लोक अदालत की निर्धारित होती हैं तो एक जो है उत्साह लोगों में रहता है कि इस तारीख को है तो पहले से ही तैयारी उसकी शुरू कर देते हैं। अधिवक्तागण भी, पक्षकार को भी सरकार की तरफ से तमाम छूट दी जाती है टैक्सेस में और सब में, बिजली के जो बिल बकाया है उसमें, जो बैंक में पैसे बचे हैं उसमें भी भारी छूट मिलती है। तो अगर लोक अदालत भी निराकृत करेंगे तो उनका जो है दोहरा तेहरा फायदा कह सकते हैं कि जो है केस भी ख़त्म होगा, पैसे भी कम लगेंगे, आगे फिर संभावनाएँ नहीं रहेंगी मुकदमेबाजी की। ये है उसका उद्देश्य। मैंने सर एक निवेदन था कि जैसा कि नेशनल लोक अदालत में केस तो आते हैं लेकिन अभी देखा गया है कि विद्युत मंडल बैंक के जो केस आते हैं उनमें राहत नहीं मिल पाती है पक्षकार को, पक्षकार ढूंढते रहते हैं। जैसे कि अधिक अगर देनदारी रहती है तो उसको बीच का कोई रास्ता निकालते नहीं है, उसमें ये कहा जाता है कि नहीं आपको पूरी देनदारी करनी पड़ेगी, इसके कारण पक्षकारों का विश्वास भी डबाडोल होता है। नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे पिछले लोक अदालत में ये एक दो केस ऐसे आए थे तो मैंने बैंक के जो वसूली की थे बैंक के मैनेजर को बुला के सामने चर्चा करा दिया था और उन्होंने ये सारा इंटरेस्ट ख़त्म कर दिया था। इवन मूलधन में भी, जो मूलधन था उसमें भी उन्होंने छूट दिया था। और बिजली के केस तो वैसे भी यहाँ बहुत कम हैं, एक दो केस जो बिजली पर लंबे समय से बकाया के थे तो उनमें मैंने ई को डायरेक्ट किया था कि वो देखे और उसका जो है एक्चुअल जो खपत हुई हो उसके आधार पर बिल सुनिश्चित करें और भुगतान करें। तो वो ऐसा ही किए हैं और इस बार भी ऐसा ही कर रहे हैं। और ये जो है सचिव हैं हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के, इनको विशेष रूप से ये प्राधिकृत किया है कि ये देखें कि किसी के अगर बिल आया है, कोई परेशान घूम रहा है तो सबसे पहले उसका जो है ये देख के और समाधान निकालें। अभी आज भी मुझे एक पक्षकार दिखा था तो मैं अपने एक जज साहब को भी लगा दिया था और कंसर्निंग विद्युत मंडल के इंजीनियर को बता दिया था कि वो देख के और उसका जो बिल जितना मैक्सिमम छूट दे सकते हैं वो दें। सर ऐसे कितने विभाग हैं जिनसे यहाँ से फ़ायदा लिया जा सकता है, पक्षकार फ़ायदा ले सकते हैं? नहीं यहाँ तो मूल रूप से जो रेगुलर केस चाहे किसी विभाग के आए हैं जिनमें कंपाउंडेशन संभव है वो केस हो सकते हैं। नंबर दो पे जो है बैंक के केसेस जो वसूली के बैंक में पड़े हुए हैं उसके हैं, नगर पालिका के जो है टैक्स के केसेज हैं, बीएसएनएल के बकाया बिल के हैं। ये महत्वपूर्ण रूप से जो है ये न्यायपालिका के अलावा तीन अन्य विभागों के जो है यहाँ जो है केसेज लिए जाते हैं और उनके अधिकारी बैठते हैं, हमारे खंडपीठ के सदस्य उसको देखते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है, क्यों आवश्यक है नेशनल लोक अदालत? हर साल नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है और हर तीन महीने में नेशनल लोक अदालत का आयोजन इसलिए किया जाता है कि जो, क्योंकि इस लोक अदालत में प्री लिटिगेशन केसेस न्यायालय में लगते हैं और न्यायालय के जो नियमित केसेस भी हैं वो उनका भी निराकरण संभव है। तो जो प्री लिटिगेशन केसेस हैं उनके विषय में इसलिए आवश्यक है कि जो केस न्यायालय के अंदर आने हैं उनको एक ऐसा अवसर मिल सकता है कि वो न्यायालय से गुण दोषों के आधार पर निराकरण होने से पूर्व ही एक ऐसा अवसर आता है कि दोनों पक्षकार आपस में और आपसी सुलह से लोक अदालत में उस प्रकरण का निराकरण किया जा सके। इससे उसका समय बचता है, धन बचता है और केस बहुत लंबे समय तक विचारण से निराकरण के जो लंबा समय लगता है उससे वो बचत होती है उसकी, इसलिए और यही फायदा है। और न्यायालय में इसलिए भी है कि जो गुणदोष के आधार पर जो समनीय प्रकार के जिनमें राजीनामा किए जा सकते हैं उसमें इसलिए भी आवश्यक है कि न्यायालय में पक्षकारों के बहुत लंबे समय से जो प्रकरण हैं पुराने प्रकरण हैं तो वो अगर किसी प्रकरण पर अगर उनके बीच में गुंजाइश बनती है या आपसी राजीनामा हो सकता है तो ऐसे मामले भी लोक अदालत में एक साथ एक मुख्य उद्देश्य के साथ निराकरण किए जा सकते हैं। सर क्या अपील करना चाहेंगे नेशनल लोक अदालत के लिए? मैं ये सभी से अपेक्षा करता हूँ और अपील करना चाहता हूँ
कि जितने मामले हैं, जो थोड़ा सा भी है तो प्री लिटिगेशन के आधार पर आप अपने मामले को निपटा सकते हैं। और लोक अदालत में बहुत सारे संस्थाओं के, बैंकों के, बिजली के, बिजली बिल है, इस प्रकार के केस भी प्री लिटिगेशन से संबंधित आते हैं। तो लोक अदालत में रखे गए प्रकरणों में एक विशेष रियायत दी जाती है, अपने अपने संस्था बैंक के द्वारा भी रियायत दी जाती है, बिजली ऑफिस विद्युत विभाग से भी रियायत दी जाती है। तो लोक अदालत में जो प्रकरण जो जिसका निराकरण होते हैं तो उसमें एक विशेष सहायता प्राप्त होती है। तो उस लोक अदालत में केस निपटाने से वो एक राहत, कुछ परसेंट की छूट मिलती है, नियमानुसार जो लाभ मिल सकता है वो उन्हें मिलता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नेशनल लोक अदालत में आज आप आए हुए हैं, किस बैंक से? हमें मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक से हैं। कितने केस लगे सर और कितने लोगों को आपने राहत दी? हमारे यहाँ से लगभग 274 केस 1,78,00,000 के लगे हुए थे। इसमें से लगभग 25 जो रिन्यू हैं इनको जो ऋण मुक्ति योजना में इन्हें शामिल किया, लगभग 4,00,000 की वसूली आई है, एनपीए डाउन हुए हैं। अभी आगे और ऐसी उम्मीद है सर कि आपके पास केस आ सकते हैं और ऐसे कि जिन्हें आप निपटाएंगे? ऐसे क्या है कि हमारे यहाँ इस बार जो है कि हमारे जिला विधिक न्यायालय के द्वारा कलेक्टर महोदया के निर्देशानुसार हमें प्रशासनिक सहयोग भी इस बार मिले हैं, और ये प्रशासन के माध्यम से पुलिस बल के साथ हमने नोटिस बांटा है। तो निश्चित ही उम्मीद है कि आगे भी और शाखा में आकर के लोग इस योजना में शामिल हो करके और ये वसूली में हमारा अमाउंट है वो बढ़ाएंगे, तो पूरी उम्मीद है। सर, नेशनल लोक अदालत का जो सबसे बड़ा महत्व है वह है लोगों को लाना और उन्हें निडर होकर कि उनमें कोई डर ना रहे और उनके मामलों को निपटाना। आप तो कह रहे हैं कि प्रशासन की मदद मिली, पुलिस की मदद मिली और पुलिस के आपने नोटिस बांटा, तो ये तो डराने वाली बात हुई ना सर? नहीं नहीं, वो डराने वाली बात नहीं है। उन्हें क्या है कि अब उनके द्वारा सर्व इसलिए हम लोग करवा रहे हैं ताकि उन्हें ये भी मालूम है, क्योंकि हम लोग बार बार उनके पास वसूली के लिए जाते हैं तो क्या वो अटेंशन उतना नहीं दे पाते हैं कि हमारे ऊपर कर्जा है। तो उनको अटेंशन दिलाने के लिए और आप न्यायालय तक वहाँ पहुँचें कि सही तरीके से आपको निराकरण हम लोग करवा पाएँ, इसके लिए सिर्फ उनका सहारा लिया गया है और कुछ नहीं है वजह। सर, जैसा कि कहते हैं नेशनल लोक अदालत में बीच का रास्ता इख्तियार किया जाता है, तो ऐसे बीच के रास्ते में आप लोगों ने कितने लोगों को राहत दी है या फिर पूरी रकम वसूल की गई है? नहीं नहीं, पूरी रकम वसूल नहीं की गई है। इसमें क्या है, हम लोग करते हैं कि जो खाता रहता है, जैसे मान लें किसी का 1,00,000 का खाता है और लगभग 10 साल से वो खाता ख़राब है, यानी कि वो जमा नहीं वो कर रहा है, और जब उनको ब्याज सहित जो है कि वसूली लगभग 1.25 लाख के करीब मोटा मोटी बनता है, तो उनमें क्या करते हैं हम लोग कि जो राशि है जो पूरा ब्याज का छूट दे देते हैं, और हमारा जो परिपत्र के अनुसार योजना के अनुसार छूट की भी कुछ राशि रहती है, जो उनमें जो मूलधन राशि में भी हम लोग कम करके अब एक समझौता करते हैं, जो दोनों के बीच का रास्ता अपनाते हैं कि किस तरह से इनको ऋण मुक्त किया जाए। तो बहुत कम अमाउंट उनका हो जाता है, लगभग 40% 50% किसी को 60% इतने में उनको ऋण मुक्त करते हैं। तो कितनी इसमें कितने लोगों को राहत दी है आपने आज? आज तो लगभग 25 लोगों का राहत दिया है इसमें, जो हमारे अलग अलग जो शाखाएं हैं यहाँ मंडला क्षेत्र के, जिले की शाखाओं से। हाँ, पूरा अलग अलग शाखा। मेरा नाम विजय कुमार है, मैं मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा महाराजपुर में शाखा प्रबंधक के रूप में मैं पदस्थ हूँ। थैंक यू सर। किस बैंक से हैं? पंजाब नेशनल बैंक। और ही कितने लोगों को राहत मिली सर, कितने केस लगाए? अभी तो 2 केस आए, 2 लोगों को राहत मिली है। केस लगाए थे 35। 1,35,000? नहीं, 35 केस लगाए थे जिसमें से 2 लोगों को राहत, 2 ही लोग आए हैं। 2 लोग आए? 2 लोग बस आए। तो कितना अमाउंट है? अमाउंट 2,000 जमा हुआ है। हाँ, 2,000 जमा हुआ है, समझौता हुआ है 81, दोनों का 81,000 में 81, और टोटल उनके ऊपर बकाया था 2,03,000 रुपये, जिसको कि हमने किया है 81,000 रुपये। तो सर बताइए, जैसे नेशनल लोक अदालत का आयोजन होता है, आप लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो हैं, क्योंकि कुछ तो समझौते हो जाते हैं हमारे, कुछ लोन प्रकरण समाप्त हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, कुछ तो होता है। हाँ, कुछ तो कम होते हैं, कुछ तो होता है, बिल्कुल होता है। कोई मतलब किसी भी लोक अदालत हमारा खाली नहीं गया है, कुछ तो समझौते हो ही जाते हैं, हो जाते हैं। परिचय सर? राघव पटेल, मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक। और सर, नेशनल लोक अदालत में आप आए हैं,
कितने केस आए हुए थे और कितने का समझौता हुआ? 20 का समझौता हुआ है और 200 केस लगाए गए थे। उसमें अमाउंट भी आया जी। तो सर, जैसे कि नेशनल लोक अदालत का आयोजन होता है, इसमें आप लोग संतुष्ट हैं? जी। क्यों संतुष्ट हैं? इसमें दोनों जन की सहमति से केस का निराकरण होता है। इसलिए सर परिचय पुनीत मिश्रा किस पद पे? ऑफिसर। आज नेशनल लोक अदालत मध्य प्रदेश विद्युत मंडल वितरण केंद्र और पूरे सर्किल के यानी विद्युत चोरी के जो प्रकरण थे उनके निराकरण हेतु जो विशेष लोक अदालत रखी गई है, आज उसमें 72 केस आए हैं, जो जिनकी अमाउंट राशि 3,48,000 की आई है, इतने ही उनको छूट प्रदान की गई है। इसमें सर बिजली चोरी के अलावा जो बिजली बिल के जो अधिक बिजली बिल के केस आए हैं? अधिक बिजली बिल के केस नहीं आए, सिर्फ यहाँ पर बिजली चोरी के प्रकरण ही, केवल बिजली चोरी के ही प्रकरण, बाकी अन्य प्रकरण को नहीं लिया गया है। सर परिचय आपका? मैं प्रदीप कुमार गुर्जर, कार पालन यंत्री बिछिया। क्या नाम है? राकेश श्रीवास। कहाँ से? भुआ बिछिया। क्या मार था जो दोनों के बीच में मनमुटाव हुआ? मान वाली। कितने साल दूर रहे? सर डेढ़ साल। डेढ़ साल का करीब लगभग, बच्चे के बाद जी। कैसे फिर आप लोगों को मिलाया गया? अदालत में नेशनल लोक अदालत में आपको मिलाया गया है ना? बात ठीक रहोगी अब जी? अब तो नहीं लड़ोगे झगड़ोगे? जी नहीं सर। मंडला जिले की संपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहें CCN मंडला। मनीष तिवारी व तकनीकी सहयोगी सत्यन विजय के साथ।